हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में हम मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 13 की ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है एन गा होशी दिस। स्पीकर को जब अपनी डिज़ायर बतानी होती है तो वो इस सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ फ्रेंड, मुझे एक दोस्त चाहिए। वाताशिवा तोमोदाची गा होशी दिस। वाताशिवा तोमोदाची गा होशी दिस। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट मोस्ट नाउ, आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त क्या चाहिए। इमा नानी गा इचिबान होशी दिस का। इमा नानी गा इचिबान होशी दिस का। इमा मतलब नाउ, नानी मतलब वॉट, गा पार्टिकल है, इचिबान सबसे ज़्यादा, होशी वॉन्ट दिस का क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया है। इमा नानी गा इचिबान होशी दिस का। वॉट डू यू वॉन्ट मोस्ट नाउ, आई वॉन्ट अ कार मोस्ट। कार को बोलते हैं कुरुमा। कुरुमा गा होशी दिस। कुरुमा गा होशी दिस। होशी को हिंदी में चाहिए से कंपेयर आप कर सकते हैं लगभग। डू यू वॉन्ट अ चाइल्ड, क्या आपको चाइल्ड चाहिए। कोदोमो गा होशी दिस का। कोदोमो गा होशी दिस का। चाइल्ड को कोदोमो बोलते हैं। अगर आंसर है नो, आई डोंट, नो मतलब ईए होश कुनाई दिस। ईए होश कुनाई दिस। चाहिए के लिए तो होशी यूज़ करते हैं। अगर आपको बोलना है नहीं चाहिए तो ई को रिप्लेस करना है कुनाई से। होश कुनाई हो गया। होश कुनाई मतलब नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। व्हाट डू यू वांट मोस्ट नाउ, इमा नानी गा इचिबान होशी दिस का। अभी आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। अगर आपका आंसर है आई वांट अ हाउस, मुझे घर चाहिए। घर को बोलते हैं उची। तो आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, आप ट्राई कीजिए इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की। स्टार्ट। आई वॉन्ट अ हाउस की ट्रांसलेशन होगी उची गा होशी दिस। उची गा होशी दिस। सेकेंड ग्रामर पॉइंट है वर्ब मास स्टेम ताई दिस। वर्ब की मास स्टेम क्या होती है। वर्ब की मास फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हम वर्ब की मोस्टली मास फॉर्म्स ही पढ़ रहे हैं। जैसे खाई मास, खाई मास होता है टू परचेज। जिनके लास्ट में मास लगा होता है ना, जिन भी वर्ब्स के लास्ट में, वो मास फॉर्म होती है वर्ब की। जैसे खाकी मास टू राइट, इक्की मास टू गो, खायरी मास टू रिटर्न, ओयोगी मास टू स्विम। तो मास जहाँ लगा होता है वर्ब के लास्ट में, वो मास फॉर्म्स होती हैं। तो उस मास को जब हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे इसमें से मास को हमने हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट हुआ खाई। तो इस खाई को बोलेंगे मास स्टेम। ये मास स्टेम हो गई, मास फॉर्म की स्टेम हो गई है। तो इस फॉर्म के आगे ताई लगा देते हैं हम। जैसे खाई मास में मास हटाकर खाई जो है वो मास स्टेम हो गई। खाई के साथ ये ताई हम ऐड कर देंगे, ताई। इसका मतलब भी लगभग वो जो लास्ट हमने सेंटेंस पैटर्न पढ़ा था, अपनी डिज़ायर बताते हैं, उसी लिए ही, उसके लिए ही यूज़ होता है। आप कोई काम अगर करना चाहते हैं तो इस सेंटेंस पैटर्न के थ्रू उसको बताते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू ओकिनावा। मैं ओकिनावा जाना चाहता हूँ। वाताशिवा ओकिनावा ए इकिताई दिस। अब जाने की वर्ब होती है इकी मास, मास फॉर्म होती है इकी मास। इकी मास में से मास हटा दिया तो मास स्टेम बची इकी, और इकी के साथ ताई लगा दिया। इकी मास होता है जाना। इकी मास में से मास हटाकर इकी रह गया, इकी के साथ ताई लगा दिया, इकी ताई मतलब जाना चाहता हूँ।
इकीमास का सिंपल मतलब होता है जाता हूँ या जाऊंगा, और इकिताई हो गया जाना चाहता हूँ। वाताशिवा ओकिनावा ए इकिताई दिस, मैं ओकिनावा जाना चाहता हूँ। अगर इसकी जगह सेंटेंस होता वाताशिवा ओकिनावा ए इकीमास, मतलब मैं ओकिनावा जाऊंगा, अगर उससे इस सेंटेंस को कंपेयर करें वाताशिवा ओकिनावा ए इकिताई दिस, मैं ओकिनावा जाना चाहता हूँ। अगर आपको बोलना होता मैं ओकिनावा गया था, तो आप बोलते वाताशिवा ओकिनावा ए इकिमाश्ता, मैं ओकिनावा गया था। तो आपकी सारी टेंसेस की इसमें मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई वांट टू ईट टेम्पुरा, मैं टेम्पुरा खाना चाहता हूँ। टेम्पुरा एक जैपनीज डिश होती है। टेम्पुरा एक कुछ सब्जी वगैरह को वो फ्राई करके खाते हैं, उसको टेम्पुरा बोलते हैं। वाताशिवा टेम्पुरा गा थाबिताई दिस, वाताशिवा टेम्पुरा गा थाबिताई दिस। अब खाने की मास फॉर्म क्या होती है, थाबे मास। थाबे मास में से मास हटाकर ताई लगा दिया, तो वर्ब का मतलब हुआ खाना चाहता हूँ, थाबे ताई, खाना चाहता हूँ। वाताशिवा तेम्पुरा गा थाबे ताई दिस। गा पार्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं, जो ताई वाली फॉर्म्स होती हैं इसमें गा पार्टिकल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई एक्शन करने के लिए जनरली ओ पार्टिकल का यूज़ होता है, लेकिन इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में जिसमें आप अपनी डिज़ायर बता रहे हैं ताई वाली फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, उसमें गा पार्टिकल भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये गलती से यहाँ पर नी लिखा गया है, ये थाबे ताई है, ई है ये। और एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बाय इन कोबे, कोबे से आप क्या खरीदना चाहते हो। कोबे दे नानी गा खाई ताई दिस का, कोबे दे नानी गा खाई ताई दिस का। किसी प्लेस पे जब कोई एक्शन करना होता है या कोई एक्शन हो रहा होता है तो दे पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कोबे में, कोबे में कुछ खरीदने की बात हो रही है। तो कोबे दे नानी गा या फिर नानी ओ खाई ताई दिस का, कोबे से क्या खरीदना चाहते हो आप। आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, मैं जूते खरीदना चाहता हूँ। जूते को बोलते हैं कुत्सु, कुत्सुगा खाई ताई दिस, कुत्सुगा खाई ताई दिस। बिकॉज आई हैव स्टमक एक आई डोंट वॉन्ट टू ईट एनी थिंग, चूंकि मेरे पेट में दर्द है मैं कुछ खाना नहीं चाहता। पेट को बोलते हैं ओनाका, ओनाका, ओनाका गा इताई दिस कारा। इताई होता है दर्द को बोलते हैं इताई। ओनाका गा इताई दिस कारा, ओनाका गा इताई दिस का मतलब हो गया मेरे पेट में दर्द है, ओनाका गा इताई दिस। अब ये एक रीज़न है, रीज़न बताने के लिए कारा यूज़ करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओनाका गा इताई दिस कारा, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। नानी मो थाबिता कुनाई दिस, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। नानी मो मतलब कुछ भी, नानी मो थाबेता कुनाई दिस, कुछ भी नहीं खाना चाहता। थाबेता कुनाई कैसे बना ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फिर से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थाबेताई, इसका ई हटाना है और ई की जगह कुनाई लगाना है। थाबेता कुनाई मतलब खाना नहीं चाहता। तो जो भी ये ताई वाली फॉर्म्स हैं उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है कुनाई में, तो ई हटाकर लास्ट में जो ई है ई हटाकर कुनाई लगा देना है। होशी दिस और ताई दिस, जो अभी हमने ये दो ग्रामर पॉइंट्स पढ़े हैं, इसको सिर्फ अपनी डिज़ायर बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी और की, किसी थर्ड पर्सन की डिज़ायर बताने के लिए ये सेंटेंस पैटर्न नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पूछना है कॉफ़ी का कप ऑफ़र कर रहे हैं, आप कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, तो को ही गा होशी दिस का, या फिर को ही ओ नोमिताई दिस का, ये सेंटेंस पैटर्न नहीं यूज़ कर सकते। किसी और से, उस किसी और की डिज़ायर बताने के लिए या किसी और को कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए आप ये सेंटेंस पैटर्न नहीं यूज़ कर सकते। तो जब आप किसी को कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं तो सही फॉर्म होगी को ही वा इकागा दिस का, को ही वा इकागा दिस का, या फिर को ही ओ नोमी मासेन का,
कोही ओ नोमी मासेन का ये जैपनीज तरीका है किसी को कोई चीज़ ऑफर करने का। कोही वा इकागा दिस का इसकी रफली इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी कि कॉफ़ी कैसी रहेगी। और को ही ओ नोमी मासेन का नोमी मासेन, तो इसमें आप इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि कॉफ़ी नहीं पियेंगे क्या। किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करने का ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जैपनीज़ में। डायरेक्टली को ही गा होशी दिसका या फिर को ही ओ नोमिताई दिसका ये बिल्कुल गलत है। इसको जैपनीज़ में यूज़ नहीं किया जाता कोई चीज़ ऑफ़र करने के लिए, सिर्फ अपनी डिज़ायर बताने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस पैटर्न्स। प्रैक्टिस करते हैं। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो ऑन समर वेकेशन, आप समर वेकेशन पे कहाँ जाना चाहते हैं। समर वेकेशंस को बोलते हैं नात्स या सुमी। इसको ब्रेक करके देख लेते हैं थोड़ा। नात्स का मतलब होता है गर्मी, ये नात्स की खांजी है, और यासुमी होता है छुट्टी, ये यासुमी की खांजी है। तो नात्स यासुमी मतलब गर्मियों की छुट्टी। नात्स यासुमी नी दोको ए इकिताई दिस का, नात्स यासुमी नी दोको ए इकिताई दिस का, गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू ओकिनावा, ओकिनावा जाना चाहता हूँ। ओकिनावा ए इकिताई दिस, ओकिनावा ए इकिताई दिस। ए पार्टिकल एक बार फिर से बता देता हूँ सभी को, मैंने पहले पुराने चैप्टर्स में बताया हुआ है ए पार्टिकल कब यूज़ होता है। कहीं जाने की जब बात होती है इकिमास, कहीं से आने की बात होती है किमास, या फिर खायरी मास टू रिटर्न, ये जब तीन वर्ब्स यूज़ होती हैं इकिमास किमास खायरी मास, तो इनके साथ ए पार्टिकल यूज़ होता है। बिकॉज आई एम टायर्ड टुडे आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, क्योंकि मैं आज थका हुआ हूँ मैं कुछ नहीं करना चाहता। क्यों वा स्कारे माश्ता कारा, क्यों मतलब आज, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, स्कारे मास होता है थकना, स्कारे मास उसकी पास्ट फॉर्म है, स्कारे माश्ता मतलब थक गया, ऑलरेडी थक चुका। क्यों वा स्कारे माश्ता कारा, क्योंकि आज मैं थक चुका हूँ। नानी मो शिता कुनाई दिस, कुछ भी नहीं करना चाहता। शिमास का मतलब होता है कुछ करना, शिमास टू डू। शिता कुनाई मतलब कुछ करना नहीं चाहता मैं, उसकी कुनाई फॉर्म हो गई शिता कुनाई। नानी मो शिता कुनाई दिस, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मी टू, टुडेज मीटिंग वॉज टफ वॉजंट इट। दूसरा बंदा है जो इससे अग्री कर रहा है। अग्री करने के लिए जो जैपनीज में फ्रेज यूज होता है वो है सो दिस ने, सो दिस ने। क्यों नो खाएगी वा ताइहेन देशताने, क्यों नो खाएगी वा ताइहेन देशताने। खाएगी मतलब मीटिंग, ताइहेन मतलब टफ या मुश्किल या बहुत थका देने वाली थी। क्यों नो खाएगी आज की मीटिंग वा ताइहेन देशता ने, बहुत थका देने वाली थी, बहुत टफ थी। थर्ड ग्रामर पॉइंट है एन प्लेस वर्ब मास्टेम नी इकिमास किमास या फिर खायरी मास। जब आप कहीं जा रहे हैं इकिमास वर्ब यूज कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं किमास, या खायरी मास लौट कर जा रहे हैं घर पर, ये जब वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं इससे आप ये बताते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, कहीं से आ रहे हैं तो क्या पर्पस है, पर्पस स्टेट करते हैं कहीं जाने का या कहीं से आने का। तो ये सेंटेंस पैटर्न यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू कोबे टू ईट इंडियन फूड, मैं कोबे इंडियन फूड खाने जा रहा हूँ। कोबे ए इंदोरियोरियो थाबेनी इकिमास, कोबे ए इंदोरियोरियो थाबेनी इकिमास। कहाँ जा रहे हैं, कोबे, और जाने के लिए पार्टिकल यूज होता है ए, तो कोबे ए इंदोरियोरियो थाबेनी, ये रीजन है, ये रीजन है कोबे किस लिए जा रहे हैं। इंदोरियोरी मतलब इंडियन फूड, ओ थाबेनी ये थाबे मास की मास स्टेम है,
थाबे मास में से मास हटा दिया, थाबे बचा, थाबे नी, इंदो रियोरियो थाबे नी, इकी मास, कोबे इंडियन फूड खाने जा रहा हूँ, इंदो रियोरियो थाबे नी, ये पर्पस है। अगर आप सेंटेंस सिर्फ इतना ही बनाते, कोबे ए इकी मास, कोबे जा रहा हूँ या कोबे जाऊँगा, कोबे ए इकी मास, ये सेंटेंस भी ठीक होता। अब इसमें आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं कोबे, तो कोबे ए इंदो रियोरियो थाबे नी इकी मास, इंदो रियोरियो थाबे नी, अगर ये पूरा हटा भी दे इस सेंटेंस से तो भी कोबे ए इकी मास अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें आपने रीज़न अपना पर्पस और ऐड कर दिया कि आप कोबे क्यों जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आई एम गोइंग टू कोबे फॉर शॉपिंग, मैं कोबे शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो आपका पर्पस है शॉपिंग करना। कोबे ए खाई मोनो नी इकी मास, शॉपिंग को बोलते हैं खाई मोनो, मोनो मतलब सामान होता है और खाई मास का खाई है ये, खरीदना, सामान खरीदना मतलब शॉपिंग। कोबे ए खाई मोनो नी इकी मास, तो यहाँ पे खाई मोनो आपका पर्पस है, खाई मोनो नी, शॉपिंग करने जा रहे हैं। आई केम टू जापान इन ऑर्डर टू स्टडी आर्ट, मैं जापान में आर्ट पढ़ने आया हूँ। निहोन ए बिजुत्सु नो बेंक्यो नी किमाश्ता, जापान में आर्ट्स पढ़ने आया था। अब रीज़न यहाँ पे क्या है, आर्ट्स पढ़ने, आप सिंपली ये भी बोल देते निहोन ए किमाश्ता, जापान आया था। अब किस पर्पस से आए थे, बिजुत्सु नो बेंक्यो नी, आर्ट्स की पढ़ाई करने, निहोन ए बिजुत्सु नो बेंक्यो नी किमाश्ता। यू कैन ऑल्सो यूज नाउन्स डिनोटिंग इवेंट्स सच एज फेस्टिवल्स एंड कॉन्सर्ट्स बिफोर नी। अभी तक हम वर्ब्स की बात कर रहे थे कि मैं पढ़ने आया हूँ, शॉपिंग करने जाना है, घूमने जाना है, आप कोई नाउन भी लगा सकते हैं वर्ब की जगह, जैसे सिंपली किसी इवेंट का नाम बोल सकते हैं। आश्ता क्यों तो नो ओ मात्सुरी नी इकी मास, आश्ता कल, क्यों तो नो ओ मात्सुरी, क्यों तो का फेस्टिवल, नी इकी मास, कल मैं क्योतो के फेस्टिवल में जाऊंगा। इसका इसको ये इम्प्लाई कर रहे हैं आप कि मैं फेस्टिवल में इंजॉय करने जाऊंगा, मतलब ज़रूरी नहीं है आप कोई वर्ब भी लगाएं कि मैं वहां जाकर शॉपिंग करूंगा, वहां जाकर खाऊंगा, सिर्फ आप एक इवेंट का नाम भी बता सकते हैं। आश्ता क्योतो नो ओ मात्सुरी नी इकी मास, कल मैं क्योतो के फेस्टिवल में जाऊँगा। प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट विल यू डू दिस वीकेंड, इस वीकेंड आप क्या करेंगे। वीकेंड को बोलते हैं शिव मात्स, शिव मात्स, तो आप ट्राई कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, स्टार्ट। कोनो शिव मात्स वा नानी ओ शिमास का, कोनो शिव मात्स वा नानी ओ शिमास का, इस वीकेंड आप क्या करेंगे। I will go to Kobe with my children to see the ships. अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए ट्रांसलेट करने के लिए, मैं इसकी बता देता हूँ जैपनीज क्या होगी। कोदोमो तो कोबे ए फुने ओ मिनी इकिमास, कोदोमो तो कोबे ए फुने ओ मिनी इकिमास। कोदोमो तो यूज़ करते हैं जब किसी के साथ आप कोई काम कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ आप जा रहे हैं कोबे, तो कोदोमो तो बच्चों के साथ, कोबे ए कोबे जा रहे हैं, तो कोबे ए क्या करने जा रहे हैं, फुने ओ मिनी, फुने मतलब शिप्स, शिप्स को देखने जा रहे हैं, तो फुने ओ मिनी इकिमास। कोदोमो तो कोबे ए फुने ओ मिनी इकिमास, बच्चों के साथ कोबे में शिप्स देखने जाऊंगा। व्हाट डिड यू कम टू जापान, व्हाट डिड यू कम टू जापान टू स्टडी, आप जापान में क्या पढ़ने आए थे। इसको जापानीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड है, स्टार्ट। निहोन ए नान नो बेंक्यो नी किमाश्ता का, निहोन ए नान नो बेंक्यो नी किमाश्ता का, जापान में क्या पढ़ने आए थे। जापान को निहोन बोलते हैं, नान नो बेंक्यो
किस चीज की पढ़ाई करने आए थे? आई केम हेयर टू स्टडी इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने आया था. इकोनॉमिक्स को बोलते हैं खेजाई, खेजाई. ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए इस सेंटेंस को, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं. स्टार्ट. खेजाइनो बेंक्योनी किमाश्ता, खेजाइनो बेंक्योनी किमाश्ता. खेजाई मतलब इकोनॉमिक्स, खेजाइनो बेंक्यो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, नी किमाश्ता इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए आया था. अब जो नी पार्टिकल होता है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब किसी प्लेस में हम एंटर कर रहे हैं, जब हम हायरी मास वर्ब का यूज़ करते हैं किसी प्लेस में, जैसे कॉफ़ी शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, उसमें एंटर कर रहे हैं. या फिर नोरी मास, नोरी मास का मतलब होता है बोर्ड, ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, बस बोर्ड कर रहे हैं, तब नोरी मास यूज़ करते हैं. तो इस केसेस में नी पार्टिकल का यूज़ होता है. और जब दे मास मतलब जब शॉप से बाहर आ रहे हैं, किसी प्लेस से बाहर आ रहे हैं, कॉफ़ी शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, तो दे मास यूज़ करते हैं वर्ब बाहर आने के लिए किसी प्लेस से, और उसके साथ पार्टिकल यूज़ होता है ओ. इसी तरह से ओरी मास मतलब डी बोर्ड करना, ट्रेन को या बस को डी बोर्ड करना होता है ओरी मास, वहाँ भी ओ पार्टिकल का यूज़ होता है. तो जब किसी प्लेस पे आप एंटर कर रहे हैं तो नी पार्टिकल का यूज़ होगा, और किसी प्लेस से आप बाहर जा रहे हैं तो ओ पार्टिकल का यूज़ होगा. एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट्स गो इन दैट कॉफ़ी शॉप. आनो किस्सा तेन नी हायरी माशो, आनो किस्सा तेन नी हायरी माशो. कॉफ़ी शॉप में जाने की बात हो रही है तो कॉफ़ी शॉप को बोलते हैं किस्सा तेन. कॉफ़ी शॉप में जाने की बात हो रही है, एंट्री की बात हो रही है, तो नी पार्टिकल का यूज़ होगा. आनो किस्सा तेन, उस कॉफ़ी शॉप, नी हायरी माशो में चलते हैं. ये जो मास फॉर्म होती है हायरी मास, मास की जगह माशो कर दो अगर, तो इसका मतलब हो जाता है लेट्स, मतलब चलिए ये काम करते हैं. लेट्स डू दिस. हायरी माशो, उस कॉफ़ी शॉप में चलते हैं. आई लीव माई हाउस एट 7 o'clock. मैं अपने घर से 7 बजे निकलता हूँ. शिची जी नी उची ओ देमास. शिची जी नी, हमने पढ़ा था नी पार्टिकल किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब बात करते हैं तो नी पार्टिकल यूज़ होता है. तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, 7 बजे की बात हो रही है, तो नी पार्टिकल का यूज़ होगा. शिची जी नी उची ओ देमास. बाहर जाने की बात हो रही है किसी प्लेस से तो ओ पार्टिकल का यूज़ कर रहे हैं. शिची जी नी उची ओ देमास, 7 बजे घर से निकलता हूँ. दोको का नानी का, दोको का मतलब होता है एनीवेयर और समवेयर. नानी का मीनिंग होता है एनीथिंग, समथिंग. तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं एग्जाम्पल से. डिड यू गो एनीवेयर इन द विंटर वेकेशन, क्या विंटर वेकेशन में कहीं गए थे? विंटर्स होती हैं फुयू, वेकेशंस होती हैं यासुमी. तो फुयू यासुमी मतलब विंटर वेकेशंस. फुयू यासुमी वा दोको का ए इकिमाश्ता का, कहीं गए थे क्या? एनीवेयर, ये जो एनीवेयर है ये होता है दोको का. तो फुयू यासुमी वा दोको का ए इकिमाश्ता का. ए पार्टिकल लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर ए पार्टिकल लगाना, इसके बिना भी सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट होगा. फुयू यासुमी वा दोको का इकिमाश्ता का. यस आई डिड. हाई इकिमाश्ता, हाँ गया था. आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग. नोदो गा खावा किमाश्ता कारा, नोदो गा खावा किमाश्ता. ये एक सेट फ्रेज है, अगर आपको बताना है कि आपको प्यास लग रही है तो नोदो गा खावा किमाश्ता. नोदो मतलब गला होता है, नोदो गा खावा किमाश्ता, ये एक सेट फ्रेज है, आपको प्यास लग रही है. कारा मतलब आप रीज़न बता रहे हैं, मुझे प्यास लग रही है इसलिए. नानी का नोमिताई दिस, नानी का मतलब समथिंग. नानी का नोमिताई दिस, कुछ पीना चाहता हूँ.
प्रैक्टिस करते हैं. डिड यू गो एनीवेयर इन विंटर वैकेशन? क्या आप विंटर वैकेशन में कहीं गए थे? अभी ये सेम सेंटेंस की हमने प्रैक्टिस की थी, आप याद करने की कोशिश कीजिए उसको. आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, स्टार्ट. नात्सु यासुमी वा दोको का इकिमाश्ता का. ये नात्सु यासुमी मैंने समर वेकेशंस लिख दिया यहाँ पे, तो इसको विंटर की जगह आप मान लीजिए समर वेकेशंस लिखा हुआ है. समर वेकेशंस होता है नात्सु यासुमी. नात्सु यासुमी वा दोको का इकिमाश्ता का. गर्मियों की छुट्टियों में कहीं आप गए थे क्या? यस आई डिड. ए इकिमाश्ता. आपको पॉजिटिव में जब आंसर देना है, हमने मिन्ना नो निहोंगो के बिगिनिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था, ए हाई की जगह ए भी यूज़ करते हैं. ए इकिमाश्ता, हाँ गया था. वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? ट्राई कीजिए ट्रांसलेट करने के लिए. आपके पास 5 सेकेंड हैं, स्टार्ट. वेयर डिड यू गो? दोको ए इकिमाश्ता का. दोको ए इकिमाश्ता का. आई वेंट टू होकाइडो टू स्की. मैं होकाइडो गया था स्की करने के लिए. तो एक सिंपल सेंटेंस है, आई वेंट टू होकाइडो, मैं होकाइडो गया था, और उसमें पर्पस बताया हुआ है. पर्पस है स्की करने गया था. अभी इसकी हमने प्रैक्टिस की थी सेंटेंस की, ट्राई कीजिए. आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, स्टार्ट. इसकी ट्रांसलेशन होगी होकाइडो ए स्की नी इकिमाश्ता. होकाइडो ए स्की नी इकिमाश्ता. गोचियुमोन. अब गोचियुमोन में ये दिखाया गया है इस एग्जाम्पल इस सेंटेंस इस ये ग्रामर पॉइंट में, ये ऑनरेरी प्रिफिक्स है गो. रेस्पेक्ट किसी को आपको दिखानी होती है तो गो एक प्रिफिक्स होता है जो यूज करते हैं. हमने ओ प्रिफिक्स भी पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में. ओ भी एक प्रिफिक्स होता है जो किसी को अपनी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे ही एक प्रिफिक्स होता है गो. तो किस वर्ड के साथ कौन सा प्रिफिक्स यूज़ करना है ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, इसका कोई जनरल रूल नहीं है. तो गो प्रिफिक्स का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें. गो च्यूमोन वा. गो च्यूमोन वा. मे आई हैव योर ऑर्डर. जब रेस्टोरेंट्स में आप जाएंगे और आपसे वेटर ऑर्डर पूछ रहा होगा तो हाई चांसेस हैं यही फ्रेज वो यूज़ करेगा. गो च्यूमोन वा. मे आई हैव योर ऑर्डर. तो ये जो ऑर्डर है उससे पहले गो पार्टिकल यूज़ किया हुआ है उसे पोलाइट बनाने के लिए. गो च्यूमोन वा. तो इस लेसन के ग्रामर पॉइंट्स यहीं पर ख़त्म होते हैं. लेकिन ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी जैपनीज़ इम्प्रूव करने के लिए. अगर आप सोचें कि मैंने वीडियो देख ली है, भले ही मेरे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं या कहीं से भी वीडियो से पढ़ रहे हैं, ऑडियो से पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना करना सफिशियंट नहीं है. आप मिन्ना नो निहोंगो अगर सोचें कि ये वीडियो देख ली मैंने मिन्ना नो निहोंगो के चैप्टर 13 की और उससे मुझे चैप्टर 13 आ गया, उससे आपका सिर्फ 5% या 10% ही आपका चैप्टर कवर हुआ है. वो आपके दिमाग में तभी जाकर बैठेगा जब आप उसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. तो एग्जांपल के तौर पे मैंने मिन्ना नो निहोंगो के ही चैप्टर 13 का के पीछे जो चैप्टर में मेन टेक्स्ट बुक है जो मिन्ना नो निहोंगो की, उसमें एक्सरसाइज यहाँ पर एक कॉपी करके मैंने लगाई है आपके लिए. जैसे ये है एग्जाम्पल दिया है, वाताशिवा कामेरागा होशी दिस. वाताशिवा कामेरागा होशी दिस. ये रे है, ये एग्जाम्पल है. इस फोटो के हिसाब से एग्जाम्पल दिया हुआ है. रे मतलब एग्जाम्पल होता है, यहाँ रे लिखा है. रे मतलब एग्जाम्पल. वाताशिवा कामेरागा होशी दिस. मुझे कैमरा चाहिए. आई वॉन्ट अ कैमरा. अब आपको बुक में क्या है, ये चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए. आपको सेम पैटर्न के हिसाब से ये चार सेंटेंसेस बताने हैं ये पिक्चर्स देखते हुए. तो इसमें आप देख रहे हैं कंप्यूटर बना हुआ है. फर्स्ट पिक्चर में कंप्यूटर को बोलते हैं कॉम्प्यूता. तो सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्यूता गा होशी दिस. सेकेंड में कार बनी हुई है, कार को बोलते हैं कुरुमा. तो सेंटेंस बनेगा कुरुमा गा होशी दिस. थर्ड पिक्चर में है पैसे, मुझे पैसे चाहिए. पैसे होते हैं ओकाने. ओकाने गा होशी दिस. फोर्थ पिक्चर में दिखाया एक लड़का है, वो सोच रहा है मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए एक. तो गर्लफ्रेंड को बोलते हैं खानोजो.
खानो जोगा होशी दिस, आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड। ऐसे ही मिन्ना नो निहोंगो की जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। तो जब आप ये ग्रामर पॉइंट्स मेरी वीडियो से पढ़ें या भले ही खुद से पढ़ें या किसी टीचर से या इंस्टीट्यूट में पढ़ें, उसके बाद जब तक आप ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं कर लेंगे, आपका ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। पॉइंट्स भले ही समझ आ जाएंगे लेकिन इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। तो जब ऐसे आप मल्टीपल सेंटेंसेस खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे तब तक आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे और यूज़ करने में आपको इसको डिफ़िकल्टी होगी। भले ही समझ आ जाए पर बोल नहीं पाओगे इसे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे आपको एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। और मिन्ना नो निहोंगो में ऑडियो क्वेश्चंस भी हैं। मिन्ना नो निहोंगो के साथ एक सीडी आती है जिसमें ऑडियो भी हैं, तो वो ऑडियो सुनकर वो ऑडियो क्वेश्चंस भी करने हैं, तभी आपको ये अच्छे से इस चैप्टर की या सारे चैप्टर्स की क्लैरिटी आ पाएगी। और मिन्ना नो निहोंगो आपके पास नहीं है तो उसको खरीदे बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मिन्ना नो निहोंगो ज़रूर खरीदिए, उसके लिंक मैंने अपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप चाहें तो उस लिंक से खरीद सकते हैं, आप कहीं बाहर से शॉप से जाकर खरीदना चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं, लेकिन वो खरीदना मस्ट है आप अगर इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप JLPT क्लियर करना चाहते हैं और सीरियसली जैपनीज़ पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी जापान की फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, जापान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।